गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग CSIR नेट JRF जून 2011 एंड जून 2012 के दो ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें लास्ट वन डिजिट के बारे में पूछा गया है। जब आती बात आती है अपने लास्ट वन डिजिट या यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट क्या होता है? अगर किसी भी संख्या को अपन 10 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आता है वही क्या होता है? लास्ट वन डिजिट। जैसे कोई भी संख्या ले लो, ये ले लो, लास्ट वन डिजिट क्या है? मगर 10 से डिवाइड करो और जो अपना रिमाइंडर आए या शेषफल आए वही क्या होता है? लास्ट वन डिजिट। इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख दें मोड ऑफ 10, तो जो भी रिमाइंडर आएगा अपना वो इसका आंसर लास्ट वन डिजिट हो जाएगा। इसी प्रकार इसको मोड 10 दिस इक्वल टू जो भी आएगा वही लास्ट वन डिजिट होगा, 6 3। यहाँ मोड 10 लगाएंगे तो क्या आएगा? 9। ठीक है, तो हमारे को क्या पूछा है? 2 की पावर 100 का लास्ट वन डिजिट। इसका मतलब अपने को पूछा है 2 की पावर 100 मोड ऑफ 10, इसकी वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, जब आती है 2 की पावर 1 मोड 10, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 की पावर 2 मोड 10 4। ठीक है, 2 की पावर 3 मोड 10 8, 2 की पावर 4 मोड 10 क्या आएगा? 2 2 4 2 8 2 16 6। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 5 मोड 10, ये क्या जाएगा? 32 2 2। 2 की पावर 6 मोड 10, 2 की पावर 6 64, 64 में 10 का 10 से डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आया? 4। 2 की पावर 7 मोड ऑफ 10 क्या आया? 64 2 128। 8, 2 की पावर 8 मोड 10 ये क्या आया? इसी प्रकार 6। अब देखिए, हर एक 4 के बाद डिवाइड हो रहा है, सॉरी रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4। 1 में 4 ऐड किया 5, रिजल्ट सेम आ रहा है। 2 2 में 4 ऐड किया 2 की पावर 6, रिजल्ट सेम आ रहा है। 2 की पावर 3 2 की पावर 3 प्लस 4, 2 की पावर 7, रिजल्ट सेम। 2 की पावर 4 2 की पावर 8, दोनों में रिमाइंडर सेम। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4n प्लस k मोड 10 इज इक्वल टू 2 की पावर k मोड 10। ठीक है, जब k बराबर 1 होगा तो क्या आएगा? 2। जब k बराबर 1, k बराबर 2 होगा तो 4 आएगा, k बराबर 3 होगा तो 8 आएगा, k बराबर 4 होगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, यही 4 रिजल्ट आएंगे। अब देखिए 2 की पावर 100, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 24 × 4 + 4 क्या है, या 4 × 24 + 4, ताकि अपना इस टाइप में लिखा जा सके, 4n + k है इस टाइप से है, k की वैल्यू क्या है अपनी? 4 है, तो क्या आएगा? 6 मोड 10 दिस इक्वल टू 6। अपना राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। ठीक है, आशा करते हैं इसमें समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। सिंपल सा है, यहाँ 2 की पावर 100 पूछे, 200 पूछे, 300 पूछे, 2 की पावर कुछ भी पूछ ले, यहाँ तक कि अगर कोई ऐसे भी पूछ ले 32 इसकी पावर 100, तो मोड 10 ये क्या होगा? दिस इक्वल टू 2 की पावर 100 मोड ऑफ 10। इसका मतलब जिस भी संख्या के लास्ट में 2 हो और उसकी पावर कुछ कितनी भी हो, ये किसके इक्वल होगा? 2 की पावर 100 मोड ऑफ 10। ठीक है,
यहाँ अगर ऐसे आ जाए हमारे पास 42 की पावर 200 मोर 10 मीन्स, अगर हमारे को पूछे कि लास्ट वो वन डिजिट या यूनिट डिजिट इन 42 की पावर 200, दिस मीन्स लास्ट वन डिजिट इन 2 की पावर 200 मोड ऑफ 10, यही होगा। अब देखिए, अब आते हैं इस पे। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है, लास्ट यूनिट डिजिट इन 38 की पावर 200 मींस पावर 211, ठीक है। अब देखिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मोड 10 इज इक्वल टू 8 की पावर 211 मोड ऑफ 10, क्यों, लास्ट वन डिजिट जो 38 में होता है कितना होता है 8, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें 8 की पावर 1 मोड ऑफ 10, ये कितना आता है अपने पास 8, 8 की पावर 2 मोड ऑफ 10 ये कितना आएगा 8 उठिया 64 4, 8 की पावर 3 मोड ऑफ 10 ये कितना आएगा 2, 8 की पावर 4 मोड ऑफ 10 ये क्या आ रहा है 8 16 6, 8 की पावर 5 मोड ऑफ 10 ये कितना आ रहा है 8 6 48 8, इसी प्रकार 6 मोड ऑफ 10 क्या आएगा 8 64 4, 8 की पावर 7 मोड ऑफ 10 क्या आएगा 2, 8 की पावर 8 मोड ऑफ 10 क्या आएगा अपना 6, हमेशा 4 के बाद में रिपीट होगा, देखिए 4 के बाद में रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मिटा दे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए क्या रहा है, 8 की पावर 4n प्लस के मोड 10 दिस इक्वल टू 8 की पावर के मोड ऑफ 10, सेम कंडीशन आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 8 तो कब आएगी जब k बराबर 1 हो, 4 कब आएगी जब k बराबर 2 हो, और 2 कब आएगी जब k बराबर 3 हो, और जब k बराबर 4 हो तो क्या आएगी 6। अब देखिए जो अपना 8 की पावर 211 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 211 इसको क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 4 इंटू ये कितना हो गया देखिए 8 प्लस 3 यही हो रहा है क्या 5 का 20 4 2 8, ठीक है ऐसा ही है, दिस मोड 10 ऐसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 11 मोड ऑफ 10 ऐसा लिख सकते हैं, दिस मीन्स 4n प्लस के ये वाला अप्लाई कर दीजिए, k की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या आएगा 2, दिस इक्वल टू 2 मोड ऑफ 10 या 2, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया 2, कब आया जब 10 से डिवाइड किया, इसका मतलब लास्ट वन डिजिट कितना आएगा 2, 2 किस ऑप्शन में ऑप्शन बी में। इसी प्रकार हम अगर लास्ट में यहाँ एट की जगह 7 हो 6 हो 5 हो 3 हो 2 हो, इसके लिए एक पूरा डिटेल में वीडियो बना देंगे जो आपको कल शाम तक डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक डाल देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।